Good morning, friends. How's you doing? I hope you are doing well. As you know, up to now, we have completed 10 word meanings in the chapter number 4. The name of this chapter is A Fairy Song. This chapter is written by William Shakespeare. Today, on 13th of July, we are going to start word meanings from 11 number. Some word meanings will be same, but their meaning will be different according to the use in poetry. कुछ word meanings है जिनका यहाँ पे repetition होगा, उनका repetition इसलिए होगा क्योंकि वो word meaning जो है poetry में किसी और meaning के साथ use होते हैं. Means कि वो जो वर्ड मीनिंग है उनका पोइट्री में डिफरेंट मीनिंग निकलता है. स्ट्रेंस पोइट्री में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग नॉर्मल मीनिंग से डिफरेंट निकलता है. लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वुड. वुड होता है, वुड हम नॉर्मली इसको बोलते हैं जो लकड़ी होती है, ओके. बट जब हम इसको पोइट्री में यूज़ करते हैं तो इसका मीन होता है फॉरेस्ट, जंगल, ओके. सो इसी टाइप से आज जो हम वर्ड मीनिंग करेंगे उसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स का रिपीटेशन होगा. वो इसीलिए होगा क्योंकि उनका पोइट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग है जो मैं आपको आज राइट करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट इट हियर. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 11. 11th इज थ्रो. थ्रो इज ओल्ड स्पेलिंग ऑफ थ्रू. जो हम प्रेजेंट में थ्रू यूज करते हैं उसकी ओल्ड स्पेलिंग THROUGH होती थी, ठीक है. इसका मीनिंग होता है से होकर गुजरना. 12th इज स्विफ्टर. स्विफ्टर मीन्स होता है फास्टर, ओके, तेजी से. 13th इज ऑप्स. ऑप्स मीन्स होता है ड्रॉप्स, बूंदे. यू कैन सी हियर, ये जो फ्लावर है, फ्लावर पे जो स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स आ गई है, ये वाटर ड्रॉप्स क्या है? ओब्स, ओ आर बी एस. नेक्स्ट इज काउस्लिप्स. काउस्लिप्स मीन्स होता है अ येलो फ्लावर. यू कैन सी हियर, ये जो येलो फ्लावर है जिनकी स्टेम्स, मतलब कि इनका जो तना है वो जो बहुत लंबा है, इस टाइप के फ्लावर्स को हम बोलते हैं काउस्लिप्स. नेक्स्ट इज रूबी. रूबी इज अ रेड प्रीसियस स्टोन. एक रेड कलर का बहुत कीमती स्टोन होता है जिसे हम बोलते हैं रूबी. यू कैन सी हियर, ये जो डायमंड कट में जो रेड कलर का स्टोन है यही क्या है? रूबी. वी कॉल इट रूबी. दिस स्टोन इज वेरी मच कॉस्टली. ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज फेवर्स. फेवर्स मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ओके. काइंडनेस का कोई भी वर्क करते हैं तो उसे हम फेवर बोलते हैं. 17 इज फ्रेकल्स. फ्रेकल्स मीन्स होता है अ स्मॉल ब्राउन स्पॉट ऑन स्किन, ओके. जो स्मॉल स्मॉल ब्राउन ब्राउन स्पॉट होते हैं स्किन पे उसे हम बोलते हैं फ्रेकल्स. यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो स्किन है इस पे बहुत सारे फ्रैकल्स हो रहे हैं, ओके. तो ये स्मॉल और ब्राउन स्पॉट जो हैं इन्हें ही हम फ्रैकल्स बोलते हैं. इन हिंदी वी कॉल देम चकत्ता. 18th इज सेवोर. सेवोर मीन्स होता है टू टेक एन्जॉयमेंट, आनंद लेना किसी चीज़ का, ओके. उसे हम बोलते हैं सेवोर. पैल. पैल मीन्स अ वुडन स्ट्रीप फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ फेंस, ओके. जो फेंस लगाई जाती है, मतलब कि बार्ड लगाई जाती है वुड की, उसे हम बोलते हैं पैल. यू कैन सी हियर, ये जो वुड की जो स्ट्रिप्स है, वुड की स्ट्रिप्स से जो ये बाउंड्री बनाई गई है घर के बाहर, इसे हम बोलते हैं पैल्स. बहुत सारे गार्डन्स होते हैं वहाँ पे भी ऐसी ही वुडन स्ट्रिप्स लगाई जाती है और इसे ही हम पैल बोलते हैं. नेक्स्ट इज फेयरी.
फेरी पे तो हमारा पूरा ही चैप्टर है, ओके? सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग. फेरी मीन्स अ स्मॉल क्रिएचर विद विंग्स एंड मैजिक पावर. एक स्मॉल क्रिएचर जिसके विंग्स होते हैं और उसके पास मैजिक पावर होती है. ये जो स्टार्टिंग में ही जो इमेज थी ये किसकी थी? फेरी की. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. इन टुडेज होमवर्क यू हैव टू लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग्स अप टू 20.